पिछले दिनों एक यूक्रेनी पायलट ने अपने खून से सने चेहरे की सेल्फी इंटरनेट पर शेयर की थी और इस घटना के बाद इसे यूक्रेन के हीरो की उपाधि से सम्मानित किया गया। मगर इसके साथ आखिर हुआ क्या था, आइए देखते हैं। लेकिन प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। खैर, ये घटना 12 अक्टूबर 2022 की है, जब इस पायलट ने 24 घंटे में 5 रशियन ड्रोन को मार गिराया। मगर आखिरी ड्रोन में विस्फोट के दौरान उसके कुछ टुकड़े तेजी से उड़ते हुए इसके MiG-29 जेट से टकरा गए, जिससे दोनों इंजन नष्ट हो गए, जबकि सामने की विंडशील्ड क्षतिग्रस्त हो गई और कांच के टुकड़े उसके गर्दन और गाल को काटते हुए चेहरे में जा धंसे। लेकिन इसके बाद भी वो जलते हुए MiG-29 को शहर से दूर खाली खेतों की तरफ ले गया और 1500 मीटर की ऊंचाई पर इजेक्ट किया। नीचे आने के बाद उसने अपना फोन निकाला और एक सेल्फी खींची, जिसे उसने अपने बेस पर भेजा ताकि उन्हें पता चल सके कि वो अभी जिंदा है।